हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस है तो हम भी चल दिए थे धनतेरस की शॉपिंग करने। पर ये क्या, मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर सोफ़े देखने लग गए, पर मुझे सोफ़े नहीं लेने थे, मुझे लेना था गद्दा। तो बस हम लेने गए थे सोने की चीज़, तो ये है हमारा सोने की चीज़ गद्दा। तो गद्दा हमने भिजवा दिया था घर, और मैं आ गई थी मार्केट में, क्योंकि भाई मार्केट से भी मुझे काफ़ी सारा सामान लेना था। और मार्केट इतनी सुंदर सज रही थी ना, दिवाली के टाइम पे ना मार्केट की रौनक ही अलग होती है। तो बस मार्केट का काम ख़त्म ही नहीं होता, तो मैं यहाँ पर पहुँच गई थी गुल्लक और दिए और थोड़ा बहुत मुझे और कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था वो लेने के लिए। तो यहाँ पर भैया वो चीज़ निकाल रहे थे। गुल्लक मैं वैसे भी हर साल ही लेती हूँ, जैसे आपने देखा मैंने गुल्लक अपना फोड़ दिया है, तो अब नया गुल्लक उसमें पैसे डालूंगी। तो धनतेरस तो मेरा हो चुका था, मैंने ले लिया है अपने कान्हा जी के लिए मोरपंख। भैया कान्हा के दीवाने बनना है तो मोरपंख तो ले जाना पड़ेगा, तो मोरपंख मैंने ले लिया है। नेक्स्ट आप लोग को मैं दिखाती हूँ अभी मार्केट। और ये था दूसरी मार्केट, पहली मार्केट मैंने आपको दिखाई, ये मार्केट दूसरी मार्केट है जो थोड़ा सा दूर लगती है। वहाँ पे भी मैं गई थी खिल खिलौने वगैरह देखने। वैसे तो खिल खिलौने वगैरह सब पापा ले ही आए थे, और मैं लेकर आई थी डेकोरेशन और बाकी का सामान। और यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना धनतेरस में कि मैं आपको क्या बताऊँ। और दरवाज़ों में लटकाने के लिए देखिए फूल माला कितनी सुंदर सुंदर मिल रही थी। और यहाँ पर ना मैं लेने आ गई थी फिर मूर्ति, क्योंकि मैं हर साल भगवान की मूर्ति ज़रूर ले जाती हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने ना श्री राम जी के भक्त ले लिए हैं, और वो हैं हनुमान जी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट से घर, और भाई मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मैं मूर्ति लेके आई हूँ ना हनुमान जी की, वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं हनुमान जी, ये मैं लेकर आई हूँ। बड़े प्यारे से लग रहे थे, छोटे छोटे पहले भी थे, पर वो ना मूर्ति ना खंडित हो जाती है, तो फिर मंदिर में नहीं रखी जाती, तो वो मैंने हटा दी थी। और ये मैं दूसरी चीज़ लेकर आई हूँ, देखिए गुल्लक, और एक चार मुखी का जो दिया होता है ना रंगोली में रखने के लिए वो, और उसके नीचे एक बहुत बड़ी, आप इसे मान लीजिए कटोरी टाइप की होती है, मतलब चौड़े में होती है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये मैं डेकोरेशन के लिए लेकर आई हूँ। जब ये डेकोरेशन मैं करूँगी ना, तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे देखिएगा क्या बनाया है मैंने। और बाकी इस पन्नी में मैं लेके आई हूँ बत्ती वगैरह, जितनी भी बत्तियाँ थी, धूप, और काफ़ी सारा सामान था, कैलेंडर वगैरह और रंगोली, और क्या कहते हैं आपका पैर, माता रानी के पैर होते हैं ना वो सब चीज़ें, और दीपावली का पोस्टर। दीपावली का पोस्टर ना मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा, क्योंकि इसमें पत्ती कलश वगैरह बने हुए थे ना, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो ये मैं दीपावली का लेके आई थी। बाकी माता के पैर वगैरह ये सब चीज़ें मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये ना हाथ से बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने बड़ी बड़ी देवी तो लिख दी थी, और छोटे छोटे पाए मैं चिपका देती हूँ। तो बस ये था सामान। और नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ दूसरा कैंडल वगैरह, ये देखिए मोमबत्ती के पैकेट, और उसके साथ साथ लेकर आ गई थी लड़ियाँ, क्योंकि लड़ी ना थोड़ा बहुत कम पड़ गई थी। ऐसा होता है ना, पिछले साल की जो रखी हुई थी उसमें से कुछ ख़राब निकल जाती हैं, कुछ सही होती हैं, तो जितनी ख़राब निकली थी उतनी मैं नहीं ले आई थी। और लेके आई हूँ वाटर वाले दिए, जो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मुझे ये लेने ही हैं, तो बस इनको भी मैंने इस बार ले ही लिया। क्योंकि देखिए आपका मन कर रहा है ना अगर अंदर से, तो वो चीज़ कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमने वो चीज़ नहीं करी। तो बस ये वाले मैं दिए ले आई थी। और पता है उन भैया ने मुझे कहा कि आप इसमें ना उंगली रखोगे तो ये जल जाएंगे, मैंने कहा अच्छा, तो भैया मुझे करके बता रहे थे कि इस टाइप के होते हैं, फिर मैंने कहा आप मुझे दिखाना ज़रा करके कैसे होता है, तो देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैं हाथ रख रही थी ना तो वो जल जा रहे थे, और हाथ हटा रही थी तो बुझ जा रहे थे। मेरा बेटा भी कह रहा मम्मी ये आप कैसे वाले दिए लेकर आए हो, जब मैंने उसको दिखाए तो मुझे काफ़ी सही लगे। उसके बाद मैंने ना एक एक करके सारे दिए चेक करे, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि चेक करने का टाइम ही नहीं हुआ। तो मैंने घर आके ना आराम से सारे दिए निकाल निकाल के चेक करे कि ये जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। तो वैसे तो वो लोग सही रखते हैं वो भैया ना, जिनके वहाँ से मैं सामान लेके आती हूँ, फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैं सारे मैंने दिए पहले चेक करके देखे कि ये जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं, तो सारे के सारे दिए जल रहे थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा ये जब रात में जलेंगे तो और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। उसके बाद मैंने अपनी सारे सामान देखिए,
सारा का सारा पैक करके रख दिया। और हाँ, एक चीज़ तो रही गई और वो है ये कैंडल। ये इस बार ना कुछ नया लेके आई हूँ। ये कैंडल ना सारी मोम इसमें पिघला हुआ है और बत्ती भी लगी हुई है, इनको सिर्फ आपको लगाना है। तो मैं जो डेकोरेशन करूँगी ना उसमें लगाऊँगी इसे। और एक मैं लेके आई थी ये कवर वगैरह, फ्रिज का कवर। बाकी के सामान तो आपने मेरे देख लिए जो मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, क्योंकि गद्दा घर पहुँचा दिया था और मैं चली गई थी फिर मार्केट। थोड़ा बहुत सामान रह गया था वो लेकर आना था जो मैंने आप लोग को दिखाया। और बाकी देखिए यहाँ पे गद्दा लगा के बिल्कुल रेडी है और मेरी बैठक इस तरीके से है, कुछ अब प्यारा लग रहा है। पहले बस मुझे ना रहता है दिमाग में कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, कब से मैंने सोचा हुआ था कि करूँगी करूँगी करूँगी, बस अब जाके पूरा हुआ है। और धैर्य भी आ चुका है मेरा, बस हमारी एक लड़िया रह गई है क्योंकि आजकल हस्बैंड जी का काम चल रहा है। तो बस लड़ियाँ भी मैंने ना ऊपर छत में लगा रखी हैं, कनेक्शन हस्बैंड जी को करना है। एक वो काम रह गया और एक रह गई है फूल माला, वो लगानी है मुझे बाकी। तो बस ये सारा भी हो चुका है। और एक चीज़ और है, जब हम लेने गए थे ना गद्दा तो हम लोग को वहाँ से ये देखिए मिठाई भी मिली था। अरे इसको मिली है ये गद्दे गद्दे वाले भैया ने दी, जहाँ से हम गद्दा लेकर आए फ्री में। हाँ सबको दे रहे थे फ्री में। नहीं यार गद्दा लिया है तो मिली फ्री में, कहाँ से मिठाई कौन सूखता है। कटोरी में निकालो, ऐसे नहीं करते, कटोरी में निकाल लो। तो चलिए मिठाई वगैरह खाते हैं और बस जब पूरा डेकोरेशन हो जाएगी तो फिर मैं आप लोग को फिर दिखाऊंगी जब लड़ियाँ वगैरह भी लग जाएंगी। अभी लड़ियाँ नहीं लगी हैं, बाकी दरवाजे वगैरह मैंने लिख दिए हैं। तो मेरा जितना काम था वो मैंने कर दिया है, अब हस्बैंड जी का जो काम है वो करेंगे। बाकी मेरा था साफ़ सफाई सजाने का काम, वो मैंने कर दिया, अब बाकी काम है हस्बैंड जी के हाथ में। बाकी हाँ बेटा हाँ आराम से ले लो उसमें, और इसी में रख देना, गिराना मत, प्रसाद जैसा होता है, आराम से चीटी आ जाएंगी किचन में। तो चलिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें, यही मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेकर आऊँगी, अब दीपावली का ही ब्लॉग आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अब दीपावली है। तो बस सीधा दीपावली का ब्लॉग लेकर आऊँगी, आप लोग आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और एक बार आप लोगों को फिर से हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली बोल दो, दिवाली हैप्पी दिवाली। और बेटे की भी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे। और दिवाली के साथ साथ एक इन्जॉयमेंट और है, वो आप लोग को मैं बाद में बताऊंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब मेरे को बनाना है खाना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।